ये सिर्फ एक बंदे की वजह से हुआ है ओनली, मतलब तो ओनली देख क्योंकि भैया मेरे भाई। भाई हाँ जी गाइस, वी आर बोली बॉयज, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ते आई दी वीडियो दा तुहानू साडे कैप्शन तो पता लग जाएगी। ते कुछ दिन पहले असीं इंस्टाग्राम ते स्टोरीज पाईआं सी क्यों भाई ने दीआं, कि तुहाडे बहुत प्यारा करे जिहड़े क्वेश्चन आए, बहुत अजीबो गरीबी क्वेश्चन आए, ते मैं तुहानू आंसर करांगे। ते गाइस जे किसी दा नाम रह जाए प्लीज गुस्सा ना करियो, ठीक है। ते शुरू करदे बिना टाइम वेस्ट कीते आपां फर्स्ट क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन पूछा है योगिता _0099 जी ने, इन्होंने पूछा है कि आपने अपने बोली बॉयज ग्रुप का नाम क्यों रखा था। ओके, बोली बॉयज तो हमने अपने बोली बॉयज का मतलब हमने अपने चैनल का बोली बॉयज नेम इसलिए रखा क्योंकि फर्स्टली हम मतलब नॉर्मल वीडियोस क्रिएट करते थे सॉन्ग पर, तो वो ज़्यादा वायरल नहीं थी। उसके बाद हमने क्या सोचा कि हम किसी के नेम पर बोली डालते हैं, उसके बाद हमने एक की दो तीन चार ऐसे कंटिन्यू करते रहे, उनमें से एक वायरल हुई, तो हमने सोचा क्यों ना हम यही वीडियो करें। उसके बाद हमने अपने चैनल का नेम भी बोली बॉयज रख लिया। तो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पलक _अरोड़ा_09 इन्होंने बहुत बहुत अच्छे दो तीन क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सही क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनके नेम पे वीडियो भी नेक्स्ट लास्ट में हम बोली करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो इनका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट फूड, मैं जो मर्जी आए खाना, खाने के मामले में कोई वो नहीं है कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज, जो इधर खरीदा मैं खा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। मेरा मेरी सिस्टर ते मेरी मम्मी, फैमिली सबसे ज्यादा, फैमिली फैमिली। ते थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है खुशी दी और विवेक भैया के घर कब जाओगे। ओ यार, मतलब हम उनके घर जा रहे हैं 4 अगस्त, नहीं 4 अगस्त में भी जा सकते हैं, जुलाई में भी जा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी चल रही है कोविड के चक्कर में, जो पर 4 अगस्त तो फाइनल है यार, फाइनल हाँ, अगस्त में फाइनल है, जुलाई में भी हो सकता है, बाकी जो अकॉर्डिंग सिचुएशन अभी भाई हम भी आ रहे तो जल्दी सिचुएशन सही हो जाए फिर उस हिसाब से देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रीति शर्मा 6836, इन्होंने पूछा है कि जब आप वीडियोस क्रिएट करते हैं तो आपको कैसा लगता है। बहुत मजा आता है, बहुत मजा, फुली एंजॉय करके वीडियो बनाते हैं, एंजॉय जो आपकी हमारी वीडियो में देखते हैं। या या या, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लतिका अरोड़ा 2000, लतिका अरोड़ा 2000 और अंडरस्कोर मुस्कान अंडरस्कोर सिंह 8, इन्होंने वैसे क्वेश्चन मतलब सेम ही पूछा है, और इन्होंने नहीं क्या मतलब कि मैक्सिमम सबने ये कॉमन क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि आप तीनों की कोई जीएफ भाई नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारी मासूम सी शक्लों से हमें कोई अपनी लड़की नहीं है, हम सिंगल है, सिंगल है, चल झूठा। ओके, हमारी कोई जीएफ नहीं है, तो ट्राई करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोर शाइना _ इतना _ है इनके नाम पे शाइना, इन्होंने भाई ये सेम पूछा है बोली बॉयज पे जीएफ नहीं है, कोई जीएफ नहीं है। इन्होंने अभी पूछा है तुहाडे बोली बॉयज सारे दी एज कितनी है, 21 23, सबसे बड़े भैया 26 26। वैसे गलत बात है, लड़की हमारी पूछ रहे हो, अपनी बताते नहीं, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी भी बता, अपनी भी बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा _11.3.2002 और एक आईडी बहुत मुश्किल है, पहले सेकंड आईडी है प्रिया कुमार अभिषेक, मतलब इन दोनों की आईडी, और मैक्सिमम ये भी सबने ये चीज से पूछी है कि आपका जट टिंका मैडम प्रियंका का पार्ट टू कब आएगा, कब आएगा। तो हम ये पहले ये बता दें कि फर्स्ट भी जब हमने पार्ट बनाया था तो उसका भी कोई प्लान नहीं था क्योंकि ये भाई उस वीडियो के डायरेक्टर थे, ठीक है। तो इनको इनको खुद नहीं मालूम था कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या इनसे बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो जब हमने एडिट की वीडियो बहुत ही मस्त बन गई, तो डायरेक्टर साहब को हम दोबारा बोल रहे हैं कि सर पार्ट टू थ्री भी एक्चुअली इशू चल रहा है, तो अभी चल रही बात कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है _13.मोहित का, इन्होंने पूछा है हु इंस्पायर्स यू, मैनू इंस्पायर कर दे यार मेरे दादाजी, तो लाइक उन्होंने का बहुत कुछ सीखा है, तो इन्होंने गलों हजे भी फॉलो करता है। मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है, मॉम, तो जो कि बचपन तो बस देखते आ रहे हैं, तो देखते आ रहे हैं, तो मेरी इंस्पिरेशन माँ,
भाई आपका सेम भाई कभी तो और एक इन्होंने कॉल क्वेश्चन पूछा है, क्या व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम यू फैन फॉर फैन, मतलब आपका आपके फैंस के लिए क्या मैसेज है। सो फर्स्टली कि हमारे वो फैंस नहीं है, हमारी फैमिली है, और मैसेज ये है कि भाई मैसेज ये है कि जो इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है हमारे शहर में इंडिया में, तो प्लीज आप अपने घर रहो, सेफ रहो, और बाहर भी फैमिली के साथ रहो, किसी फैमिली के साथ ध्यान रखो, घर में रहो चाहे किसी के भी घर घर में रहो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है dp_the_rapper, ये अपना भाई है, तो इस भाई ने पूछा दिल्ली कब आओगे और मतलब कि फंक्शन करेंगे जो जैसे कि हमने बता रहा हूँ मैं दिल्ली में हमारा शो था, बट ड्यू टू कोविड के कारण कैंसिल हो चुका है, तो जैसे ही सिचुएशन सही होती है हम बहुत जल्दी आएंगे दिल्ली, तो मिलेंगे रैपर भाई को दो दिन ओके दिल्ली जल्दी आएंगे भाई। और एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पूछा है यार, ये इसने बहुत अजीब मतलब ना मैं एक मिनट रुको, मैं एक स्टोरी पाई थी ठीक है, पहला जो क्यों ने हमने डाला उसमें ये था कि मतलब सिर्फ बोली के नेम्स आ रहे थे, फिर मैंने सेकंड डाला कुछ अलग पूछो, मैंने हटके इतना पूछ लिया कि इतनी दो क्वेश्चन भाई, दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ बताता हूँ सॉरी, कि इन्होंने पूछा कि आपके अंडरवियर का कौन सा ब्रांड है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं बेटे, जॉकी 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 यार तू ही जोक में आ रहा, तू ही जोकी बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे को सुना की थी मस्त क्वेश्चन है यार भाई, कहां से लाते हो ये क्वेश्चन तेरा मौज कर। चलो और एक एक क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन है रूही डॉट 11 नहीं रूही डॉट आई 110 ठीक है, तो इनका क्वेश्चन क्या था भाई टॉम, इनका क्वेश्चन था भाई खुशी दी से जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे उनके घर गए थे, तो मतलब कैसा कैसे प्लान हुआ आपका ये सब जब मिले फर्स्ट बार, क्या आप कैसे प्लान करा आपने जब गए थे, जब हम खुशी दी के घर गए तो कैसा प्लान, नहीं तो प्लान था एक्चुअली उनके बर्थडे था, हम काफी टाइम से प्लान बना रहे थे तो कैसे मिले, हर बार कुछ ना कुछ आया था, और जो हम कैसे वहाँ गए क्या एक्सपीरियंस था वो हमारे जो फर्स्ट ब्लॉग है जलंधर से रुकी, देख सकते हो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको फुली मिलेगा। तो एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, उसकी आईडी है arora._123 ठीक है, इस भाई ने पूछा है कि अभिषेक कौन है और वो आपको कैसे मिला, अभिषेक मतलब अभिषेक राणा जो हमारी सारी बैकबोन है, वो बंदा हमारा सारा यूट्यूब वो देखता है, टोटल हमारा चैनल का मतलब फुल एडिटिंग वीडियो हमारी एडिटिंग होती वीडियो थंबनेल एडिटिंग सब कुछ वही बंदा करता है, सब कुछ वो करता है, और हमें मिला वो कैसे लाइक असली द फ्रेंड्स हैं सारे ठीक है, आज हमें ब्रदर है ब्रदर जी सारे है पर आई है सारे कोई जल्दी का नहीं है सारे ब्रदर, बट मेरे साथ स्टडी किया जान दे ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई श्रुति श्रुति पांडे हां 129 पांडे 129 इन्होंने पूछा है आपने अपना YouTube चैनल कब स्टार्ट किया और एंड कहां पर क्रश, हमने अपना YouTube स्टार्ट करा था दिसंबर में, दिसंबर हमने अपना YouTube दिसंबर में स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट वीडियो हमारी दिसंबर में आई थी आफ्टर रुकी दीदी के होने के आने के बाद, रुकी से आने के बाद हमने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, और इसकी इंस्पिरेशन हमें थी वन एंड ओनली, इसको हमें मानो कि प्लान नहीं था YouTube स्टार्ट करने का, ये सिर्फ एक बंदे की वजह से हुआ है ओनली, भाई इन्होंने हमें इंस्पायर किया इस चीज के लिए YouTube के लिए, लव यू भाई, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल गुप्ता 800 की तरफ से कि आप कहाँ से हो और क्या करते हो, बेसिकली हम पंजाब जलंधर से हैं और हम काम क्या करते हैं घर वालों को तंग छोटा मोटे जॉब्स करते हैं बस, ये आपके लिए आपको एडिट करते हैं वीडियोस बनाते हैं बस आप सपोर्ट करिए ऐसे। तो एक क्वेश्चन पूछा है गर्ग 13173 एंडी ग्रादी बबजीत भाई आपके लिए पूछा है, तो इन्होंने पूछा है क्या मुझे बबजीत भाई का नंबर दे सकते हो, क्या बबजीत भाई से आपकी बात हुई, तो अगर बबजीत भाई ये बबजीत भाई के लिए पूछ रहे हैं, तो बबजीत भाई अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज उनका ये जवाब दीजिए और उनको नंबर देना है तो बस दे दीजिए, बात करिए नंबर दे सकते हैं अगर आप देख रहे हो, नंबर नोट कीजिए 708 79 ओके फाइन ओके फाइन सर ओके फाइन ओके फाइन फाइन सर मजा आ गया था ना ओके फाइन बबजीत भाई सॉरी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Royal_start
___3194 इन्होंने पूछा है कि आपकी शायरी जो होती है बहुत अच्छी होती है, दिल को छूती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थोड़े महीने या जो भी सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुषार की तरफ से कि आपका ड्रीम क्या है और ऐसा काम क्या काम कर सकते हो जिससे आपके मम्मी पापा को आप पे मतलब गर्व लगता है, प्राउड हो। तो हमारा भी ड्रीम ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी मतलब यही है कि यार जब आज अगर आप अपने पापा के नाम से जाने तो आने वाले टाइम में मतलब कल में कितने जमा क्या नहीं किया चिराग ने पापा। चलो तो मैक्सिमम क्वेश्चन सभी के नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा डॉट अंडरस्कोर डॉट 11.3.2002 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑफिशियल नाम क्या है? ऑफिस इनका हमारे को नाम नॉर्मली जितने भी आईडी पे यार सबको बहुत सारे को मेरा नाम नहीं पता, तो अपने सोने से सम्मुख से अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आप चार हो रियल भाई हो और आपके फोन का वॉलपेपर वॉलपेपर भाई आपको स्क्रीन कर देगा और यार भाई यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम बेबोम 07 प्यार क्या है? किसी को अपना बनाना या किसी को दूर से जाना और कुछ देखना। तो आई एम बेबो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि प्यार का क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत ही अच्छा पूछा है जो कि हमारे तीनों में से किसी का नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, बट फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा तो आंसर बता रहे हैं। प्यार क्या है? सिंपल है, किसी को कुछ देखना ही प्यार है। कि फंस गया बट उसको कुछ देखना ही रियल प्यार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है _broken_girl11 की इनका क्वेश्चन है विवेक जीजू और खुशी दी को आप कब से जानते हो सर और कैसे मिले और मतलब कैसे आप कौन सा मिला मतलब हम उनको 2 दिसंबर से जानते हैं जो बोला था पहले आप पीछे अगर देख सकते हैं। तो उनको हम 2 नवंबर से भी जानते हैं मतलब लाइक 22 अक्टूबर 2019 को हमने पहली बार वीडियो क्रिएट करी थी और 2 नवंबर 2019 को हम फर्स्ट टाइम उनसे मिले थे जो वीडियो क्रिएट करी थी। तो जो वीडियो क्रिएट करी थी वो थी बारी बरसी खटन गया सी खटके लांदा चंद टिकटॉक वाले कपल था बहुत हो गए पर शुरू से लेके मुंह तक देख रहे ने विवेक चौधरी का खुशी पंजाबन। तो हमने ये वीडियो करी थी तो फर्स्ट टाइम इन का वो आप नीचे वीडियो देख रहे हो साइड पे वो बारी बरसी खटन गया सी खट के लांदा चन टिकटॉक दे कपल था बहुत ने पर शुरू से लेके हुन तक एंड करा रहे ने ओने विवेक चौधरी दे खुशी पंजाबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरी ______ शोना जी का 47 की मेरी तरफ से मतलब कि उन्होंने पूछा था तुसी तीनों मेरी मम्मी दे फेवरेट हो तो प्लीज मेरी मम्मी को राम 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 जी एदे दा आशीर्वाद ते प्यार दंदे रहो एदे सपोर्ट करदे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी श्रेया कपूर जी दा ते श्रेया कपूर जी दा की क्वेश्चन सी आप तीनों कहां मिले और चौधरी फैमिली को आप कहां मिले फर्स्ट टाइम मीटिंग फर्स्ट टाइम हम तीनों कैसे मिले और उनको कहां मिले। हम वैसे भी पहले जानते थे एक दूसरे को ठीक है तो मैं और शरद जम करते थे एक साथ तो ये दोनों का भाई है ठीक है सबको पता ही होगा पहले ये दोनों वीडियो क्रिएट करते थे मैं बाद में आया क्योंकि इसने स्टेटस डाल रखा था भाई ने कि रिक्वायर्ड वीडियो तो भाई ने भाई मैं कर रहा था वीडियो तो इसलिए हमने भी शुरू की करते 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 आपके सामने बैठे हुए हैं आपके तो चौधरी फैमिली को हम फर्स्ट टाइम मिले थे हॉस्पिटल के बाद जंगल में तो अभी हम साथी हैं। तो एक एंजल सिंह अंजलि जी का कि आपका कंटेंट बहुत प्यारा था थैंक यू सो मच ऐसे ही आप प्यार करते रहो सपोर्ट करते रहो। और एक जन ने और क्वेश्चन पूछा सिमरन आप तीनों के बर्थडे डेट क्या है
बर्थडे डेट यहाँ भाई से शुरू होते हैं जनवरी हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन 1999 22 अगस्त 1997 आने वाला है 9 जनवरी 2002 तो भाई किसी ने भाई क्वेश्चन पूछा था कि उसका नाम है क्या नाम है कि आप तीनों में से बड़ा कौन है और सबसे ज्यादा किसकी चलती किसकी है उस भाई का नाम लिखना क्या है तीन नेम करे थे सिलेक्ट जिनके नेम जो बॉलीवुड में करनी थी फर्स्ट नेम बहुत आपको रील में मिलेगी जल्दी यूट्यूब पे भी अभी आपको तीसरा नाम है श्रेया श्रेया का तो गाइस जेडे अपन नाम सिलेक्ट किए थे तीन की जिन्हें बोली करेंगे पहला नाम है पलक का बारी परसी पे कट गया सी खट के जाते चल तू ही सी तू ही है तू ही रहेगी पलक एंड थैंक यू सो मच नाम है छोड़ कुछ कुछ नहीं ते सेकंड नाम है जैस्मिन पूरा आईडी नेम है सगा जैस्मिन जैस्मिन ये क्वेश्चन मैंने ना अलग क्वेश्चन एंड जी ते बारी परसी कट गया सी खट के जाते चीन चीन ये क्वेश्चंस कहां से लाते आते हो जैस्मिन आगे भी हम ऐसे लेके आएंगे तो कई सारे इंस्टाग्राम तो गाइस हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिए हुए नीचे तो गाइस वहां पे डेली अपडेट्स के लिए फॉलो करिए और सपोर्ट करिए लव यू ट्रांसपेरेंट